और चलिए अब आपको दिखाते हैं वैक्सीन वाली गुड न्यूज। गांव गांव जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इन पॉइंट्स को वैक्सीन के लिहाज से अपग्रेड करने का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि वैक्सीन आते ही आपको बता दें कि 30 करोड़ हिंदुस्तान के प्रायोरिटी ग्रुप तक ये जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। क्या पूरी ये रिपोर्ट है, देखिए। 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स, वैक्सीन के लिए विमान तैयार, 1,00,000 इक्विपमेंट्स और वैक्सीन के पहले राउंड का पूरा रिकॉर्ड। ये है वो युद्ध स्तर की तैयारियां जो मोदी सरकार वैक्सीन पहुंचाने के लिए कर रही है। वैक्सीन का कोल्ड प्लान, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स तय कर दिए गए। इन कोल्ड चेन पॉइंट्स में हजारों कोल्ड स्टोर, कम तापमान में वैक्सीन ले जाने वाले विमान, सड़क पर मोबाइल रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट का खाका खींच लिया गया। जहां जरूरी सुविधाएं कम पड़ रही हैं, उन कोल्ड पॉइंट्स को रातों रात अपग्रेड किया जा रहा है। अगर सब प्लान के मुताबिक चलता रहा तो वैक्सीन आने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान होगा। 3 वैक्सीन मेकर्स ने मांगा अप्रूवल। कोविड वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों ने सरकार से इमरजेंसी यूज अप्रूवल मांगा है। इन कंपनियों में पहली है सीरम इंस्टीट्यूट, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। दूसरी कंपनी है भारत बायोटेक, जो कोवैक्सीन पर काम कर रही है। तीसरी कंपनी है फाइजर और बायोटेक। इस वैक्सीन को ब्रिटेन में अप्रूवल मिल चुका है और ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत में वैक्सीन अप्रूवल के नियम यूरोपीय देशों से ज्यादा सख्त हैं। सरकार इस बात का ख्याल रख रही है कि ठोक बजाकर ही वैक्सीन को बाजार में आने की इजाजत मिले। इन अप्रूवल्स पर भी ट्रायल डाटा की जांच चल रही है और डाटा इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि हम हिंदुस्तानियों को कौन सी कोरोना वैक्सीन मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन।